अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इन सिक्स टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। रॉ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, जिसमें सिर्फ हमारे पास वन रॉ हो उसे हम कहते हैं रॉ मैट्रिक्स, लेकिन इसमें कॉलम मैटर नहीं करता। डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स है जस्ट वन रॉ वी विल कॉल इट अ रॉ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें सिर्फ वन रॉ हो उसे हम क्या कहते हैं रॉ मैट्रिक्स। रोज क्या होती हैं ये भी एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट मैटर इन अ रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स मैटर नहीं करते। द ओनली वन थिंग डैट मैटर्स डैट इट शुड हैव अ सिंगल रो, कि इसमें क्या मैटर करती है, सिर्फ हमारे पास वन रो हो। अ रो मैट्रिक्स इज फॉर्मेटेड बाय अ सिंगल रो। फॉर एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ए मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है, जिसमें सिर्फ हमारे पास वन रो हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन कॉलम हमारे पास हो, डेफिनेशन करते हैं इसकी। कॉलम मैट्रिक्स लाइक अ रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ हमारे पास ओनली वन कॉलम होता है, लेकिन रॉ मैट्रिक्स नहीं करती। बट विद सम चेंजेस द कंडीशन ऑफ द कॉलम मैट्रिक्स इज राइट, इट शुड हैव अ सिंगल कॉलम, कि इसमें सिर्फ हमारे पास वन कॉलम होता है। इट डज नॉट मैटर हाउ मैनी रोज आर देयर इन अ कॉलम मैट्रिक्स, ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कॉलम में रोज कितनी हैं। द ओनली थिंग डैट मैटर इट शुड हैव अ सिंगल कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स लिए हैं जिसका नाम है बी रखा है, सिर्फ हमारे पास वन कॉलम से रिप्रेजेंट, लेकिन इसमें हमारे पास रोज मैटर नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। डेफिनेशन करते हैं इसकी। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज फॉर्मेटेड बाय अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज बराबर नहीं होती। एंड इफ डायमेंशन इज नोटेड हैज एम मल्टीप्लाई एंड एम, हमारे पास क्या होता है रोज, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम्स को। बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर, ज़्यादातर जो हमारे पास मैट्रिक्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। बट इफ़ द रोज एंड कॉलम बिकम द सेम इट वुड नॉट बी अ रेक्टेंगुलर, अगर ये दोनों कॉलम्स और रोज हमारे पास बराबर हो जाती है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कॉलम्स है जिसमें थ्री रोज हैं एंड टू कॉलम्स हैं, यानी कि थ्री मल्टीप्लाई टू हमारे पास है। हम देखें थ्री हमारे पास रोज हैं, कॉलम्स हमारे पास टू है, तो ये बराबर इसकी तादाद नहीं है रोज और कॉलम्स की, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल में हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। डेफिनेशन करते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज फॉर्मेटेड बाय अ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाती है उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। द रीज़न इज सिंपल, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैज फोर इक्वल्स। अ स्क्वायर कोई भी चीज़ होती है उसकी साइड जो होती है वो आपके पास इक्वल होती है। एंड वेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, डेट मीन्स ऑल साइड्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैट्रिक्स लिया है जिसका नेम है डी, जिसमें हमारे पास टू रोज हैं एंड टू ही कॉलम्स हैं, यानी कि टू मल्टीप्लाई टू का एक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब रोज और कॉलम्स जो है वो हमारे पास बराबर हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ज़ीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें एक मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए। इन अ ज़ीरो मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नेम ए रखा है, इसके तमाम एलिमेंट जितने भी हैं चाहे वो टू बाई थ्री का हो थ्री बाई थ्री का हो, वो हमारे पास सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगनल मतलब जिसमें डायगनल के अपर और अप बिलो सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे पास ज़ीरो होते हैं।
डेफिनेशन देखते हैं ना, डायगनल मैट्रिक्स आर द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो द डायगनल्स आर जीरो, के डायगनल्स के अबव और बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। इट इज़ लाइक अ कम्बिनेशन ऑफ एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ये इन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है डायगनल पे, हमारे पास कौन से एलिमेंट, ये हमारे पास होता है डायगनल, इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स ये सारे जीरो होते हैं। डायगनल्स पे कौन सी वैल्यूज हैं, 2, 9, 7, ठीक है। ये हमारे पास A11 मैट्रिक्स है, ये हमारे पास A12 मैट्रिक्स है। A12 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रोज और कॉलम्स है वो दोनों बराबर नहीं होगा, लेकिन डायगनल पे जो होता है, जिस तरह ये हमारे पास A11 मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स दोनों बराबर हैं। A22 मैट्रिक्स है, ये भी रोज और कॉलम्स बराबर हैं। A33 मैट्रिक्स है, ये भी बराबर होते हैं, लेकिन इसमें I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी कि वो सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो जीरो होंगे। जिस तरह ये A12 पे क्या है, ज़ीरो है। A13 पे क्या है, यानी कि वन आई जो है वो रोज़ को शो करता है और जे जो है वो के को शो करता है, यानी कि A12 है ये हमारे पास वन रोज है, लेकिन कॉलम्स हमारे पास कौन सा है, सेकंड है। तो ये हमारे पास सारे अबव, डायगनल के अबव और बिलो सारे एलिमेंट्स हमारे पास ज़ीरो होंगे। आज के लिए इतने ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टाइप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।